नमस्कार। कक्षा 12 में डे 182 में नेक्स्ट टॉपिक अपना प्रकाश का विवर्तन। व्यतिकरण हमारा पूरा हो गया कंप्लीट, जिसमें व्यतिकरण की सारी बातें हमने कर ली थी। डेरिवेशन उसका इम्पोर्टेंट है, फ्रिंज चौड़ाई महत्वपूर्ण है उसके लिए। अब इसमें बात करते हैं प्रकाश का विवर्तन। विवर्तन क्या होता है? सबसे पहली बात तो विवर्तन होता है प्रकाश का किसी द्वारक से उसकी ज्यामितीय छाया में मुड़ना, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। सिंपल ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश का फैलना, ठीक है। लेकिन फैलना भी अलग अलग तरीके से होता है। जब हम किसी द्वारक, द्वारक का मतलब है अवरोध, कोई बैरियर हो बीच में, कोई प्रकाश के बीच में रुकावट आ जाए और उसके किनारों से उसकी जो छाया बनती है उसके अंदर प्रकाश फैल जाता है। बिल्कुल नॉर्मल वे में ये घटनाएं हम देख पाते हैं इजी वे में, कि किसी अपने कमरे में गेट के ऊपर जो जाली है उसमें एक छोटा सा होल है, नॉर्मल छोटे छोटे होल रहते हैं, उसमें से जब प्रकाश निकलता है तो वहां से तो आता है, बिल्कुल थोड़ा सा आता है, लेकिन जैसे जैसे आगे आता है वैसे 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 फैलता जाता है। एक वृत्ताकार भाग सा बड़ा हुआ हमें दिखाई देता है, वो वृत्ताकार भाग हमें इतना बड़ा दिखाई दे रहे हैं लेकिन वहां पर जो छेद है वो इतना बड़ा नहीं है। तो वो इतना बड़ा भाग कैसे हुआ? वो क्या कहते हैं उसको? उसकी ज्यामितीय छाया। ज्यामितीय छाया का मतलब है उसके आकार के अनुसार बनने वाला भाग, वो उसकी ज्यामितीय छाया है। उसमें क्या होता है? उसमें प्रकाश फैल जाता है। आ इतने से भाग से रहा है लेकिन ऐसे फैल के इतनी चौड़ाई हो जाएगी। सामान्यतः ये घटना है अपने डेली रूटीन में आराम से दोपहर में देख सकते हैं। तो ये जो घटना है ये क्या कहलाती है? प्रकाश का विवर्तन। तो सिंपल क्या कह सकते हैं? प्रकाश का किसी अवरोध कह दो या द्वारक वर्ड यूज करेंगे, द्वारक की स्लिट को कहते हैं छिद्र, द्वारक की ज्यामितीय छाया में की ज्यामितीय छाया में प्रकाश के मुड़ने की घटना। प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। जैसे नॉर्मली हम बात करें कि ये कोई छेद है और यहां से प्रकाश आ रहा है, इसके ऊपर वाला भाग बंद है, यहाँ पूरा सीमेंटेड किया गया है, यहाँ पूरा सीमेंटेड किया गया है, कोई बीच में छेद है, इसमें से जो प्रकाश आएगा वो क्या होगा? वो ऐसे फैल जाएगा, यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा हूँ। ये घटना क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है। क्लियर? विवर्तन दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है फ्रेनल विवर्तन, दूसरा होता है फ्रानहोफर विवर्तन। क्वेश्चन की बात करें इसमें कैसे आते हैं, तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, छोटा क्वेश्चन एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि फ्रानहोफर विवर्तन क्या है, फ्रेनल विवर्तन क्या है। साइंटिस्ट के नाम पर ये दोनों, फ्रेनल और फ्रानहोफर, इनके बारे में पूछ लेते हैं, उदाहरण पूछ लेते हैं इनके। तो विवर्तन के प्रकार कितने हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के। एक होता है फ्रेनल विवर्तन, दूसरा होता है फ्रॉनहोफर विवर्तन। एक फ्रेनल विवर्तन, दूसरा फ्रॉनहोफर, दोनों की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है इसलिए डिफाइन करना पूछ लेते हैं, कि हम उस डिफरेंस में ही गलती कर दें तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाना है। अब देखो डिफरेंस क्या है इसमें, क्या चाहिए? तीन चीजें चाहिए विवर्तन के लिए, तीन चीजें चाहिए। एक, प्रकाश आना चाहिए। कहाँ से आएगा? स्रोत से आएगा। प्रकाश स्रोत कुछ भी हो सकता है, बल्ब से आ रहा हो, सूर्य का प्रकाश आ रहा हो, कोई दूर ट्यूबलाइट लगी है उसका प्रकाश आ रहा है, कोई भी प्रकाश स्रोत हो सकता है। क्लियर? तो एक बात तो क्या चाहिए? प्रकाश स्रोत। दूसरी बात क्या चाहिए? द्वारक, छिद्र। क्योंकि अगर पूरा, जैसे पूरा हम ग्राउंड में बैठे हैं तो हमें विवर्तन दिखाई देगा, पूरा का पूरा प्रकाश सीधा सीधा आ रहा है, किसी अवरोधी किनारों से जब आएगा तो विवर्तन की घटना होगी। तो क्या चाहिए? एक अवरोध चाहिए, बीच में रुकावट चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। दो बात, तीसरी बात हमें दिखाई कहाँ दे? पर्दा चाहिए, स्क्रीन। नॉर्मली
जब एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो उसमें स्क्रीन यूज कर लेते हैं, पर्दा यूज कर लेते हैं। डेली रूटीन में जब हम ये घटनाएं देखते हैं तो वहाँ कोई अलग से पर्दा नहीं लगा होता, वहाँ कोई दीवार है, कोई फर्श है, कोई बीच में टेबल रखी है, वही पर्दा है, उसी पर ही हम ये घटना देख पाते हैं। तो वही क्या हो जाता है, वही स्क्रीन हो जाती है, वही पर्दा हो जाता है। ठीक है, जैसे इस छेद से आ रहा है और सामने वाली दीवार से हमें दिख रहा है, तो छेद हो गया द्वार, सूर्य हो गया स्रोत जहाँ से प्रकाश आ रहा है, इस दीवार पे हमें दिख रहा है तो दीवार हो गया पर्दा। तो कितनी चीज चाहिए, अगर आपको ये भी ध्यान रहेगा कि तीन चीजें चाहिए, कौन कौन सी चाहिए, प्रकाश स्रोत, दूसरा द्वारक और तीसरा पर्दा, तीन चीज चाहिए हमें। अगर तीन चीज हमें पता है तो हम इजीली दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं और बता सकते हैं हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कैसा विवर्तन है। हमें ये बताना है कि इनकी स्थितियाँ कैसी है, वही डिफरेंस डालते हैं कि कौन सा फ्रेनल और कौन सा फाना परिविवर्तन है। तो यहाँ फ्रेनल विवर्तन में क्या होता है कि ये तो मान लेते हैं हम क्या है, स्लिट है, ये बीच में छिद्र है, ठीक है, ये प्रकाश स्रोत है, यहाँ एस, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, इस तरह आएगा पूरे भाग में आएगा, हम लाइन में बना रहे कॉर्नर की, लेकिन आएगा पूरे भाग में इसमें। अब इसकी ज्यामिति छाया आगे सामने रख दिया हमने पर्दा, यहाँ रख दिया पर्दा, तो ये छाया इसमें हो गई इसकी आकार के हिसाब से फैलने की छाया, ठीक है। इस भाग में हमें क्या दिखाई देगा, विवर्तन दिखाई देगा। दूसरा एक डायग्राम बनाता हूं, फिर दोनों की एक साथ बात करेंगे। ये क्या है, ए बी क्या है, यहाँ ए बी द्वारक है, ध्यान से देखेंगे तो आपको अंतर भी पता चल जाएगा, परिभाषा भी पता चल जाएगी। एस प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत और कभी क्या, और ये पर्दा है। अब इसकी बात करते हैं, ये है द्वार, ये आ रहा है प्रकाश, यहां है पर्दा, बीच में है लेंस, उत्तल लेंस दिख रही है, और यहां प्राप्त हो रहा है विवर्तन। तो ये ए बी क्या है, ए बी, ए बी द्वारक है, यहां पर भी क्या है, ए बी द्वारक है, ठीक है। ये क्या है बीच में, ये लेंस है, और लेंस भी कौन सा है, दिख रहा है हमें उत्तल लेंस है, ये द्वारक है, ये आपतित प्रकाश है, इसका स्रोत नहीं दिख रहा है हमें, कहा है स्रोत, कहा है ये प्रकाश किरणें, क्या बता रही है कि ये लंबवत प्रकाश किरणें होती हैं, ठीक है, इनके लंबवत जो तल बढ़ता है वो तरंगाग्र का तल होता है। तो यहाँ पर इसके लिए जो तल बनेगा वो कैसा होगा, प्लेन होगा, समतल तरंगाग्र होगी, इसका मतलब बहुत दूरी से आ रही है, ठीक है, बहुत दूरी से आ रही है, तो कितनी दूरी से आ रही है, अनंत से आ रही है। आगे बस अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका प्रकाश स्रोत निश्चित बिंदु पर है, हमें पता है यहाँ है, इसका प्रकाश स्रोत क्या है, अनंत है, इसका विवर्तन सामने बढ़ जाता है पर्दे पर, इसका विवर्तन अनंत पर बढ़ता है, इसलिए बीच में लेने के लिए क्या चाहिए हमें, लेंस चाहिए, क्योंकि अनंत से आ रही है तो उनको क्या करना पड़ेगा, केंद्रित करना पड़ेगा, फोकसित करना पड़ेगा किसी बिंदु पर, तो वहां पर फिर हमें विवर्तन पैटर्न प्राप्त होगा, कैसा प्राप्त होगा वो हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तो ये ज्यामितीय छाया है एक्स वाई, अगर कह दें तो एक्स वाई क्या है, यहाँ लिख देता हूं मैं, एक्स वाई है इसकी ज्यामितीय छाया, आप दोनों में अंतर बात कर लेते हैं, क्या है, क्या है दोनों में अंतर। फ्रेनल विवर्तन क्या होता है, ऐसा विवर्तन प्रारूप जिसके अंदर स्रोत तथा पर्दे की दूरी, कहां से, स्लिट से, स्लिट बीच में, स्रोत तथा पर्दे की दूरी कितनी रहती है, निश्चित रहती है,
ठीक है, निश्चित इसका मेजरमेंट किया जा सकता है, मापा जा सकता है। तो जो विवर्तन प्राप्त होता है उसको कहते हैं फ्रेनेल विवर्तन। क्लियर। यदि यदि स्लिट से स्रोत व पर्दे की दूरी निश्चित हो तो प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप को फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है फ्रेनेल। अब इसकी डेफिनेशन हम बता सकते हैं क्या है। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है इनके अंदर कोई बड़ी चीज नहीं पूछी जाती है। इनमें भी आप ध्यान रखें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये बात आप ध्यान रख लेना। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं और शॉर्ट टाइप जो है वो एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, एक नंबर में आते हैं। तो या तो फ्रेनेल विवर्तन पूछ लेते हैं, फ्रानहोफर विवर्तन पूछ लेते हैं। विवर्तन क्या है ये भी पूछा जाता है, प्रकाश के विवर्तन को समझाइए। ठीक है, तो इसके लिए इसका एग्जांपल लिखना चाहिए तो एग्जांपल लिख लें कि सीधे किनारे से सीधा कोई किनारा हो उससे जो विवर्तन होगा वो ऐसा होगा, सीधे किनारे से विवर्तन छोटी चकती, चकती मतलब डिस्क, चकती से विवर्तन, ये सब किसके एग्जांपल हैं, ये फ्रेनेल विवर्तन के एग्जांपल है। इसी तरह से हम फ्रानहोफर विवर्तन को डिफाइन कर सकते हैं। फ्रानहोफर विवर्तन को, फ्रानहोफर विवर्तन में क्या है कि प्रकाश स्रोत और पर्दा जो है वो द्वारक से अनंत दूरी पर होते हैं, इसलिए इनके प्रतिरूप विवर्तन प्रतिरूप को प्राप्त करने के लिए बीच में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन है इसके अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन कि किस प्रकार के विवर्तन को प्राप्त करने में लेंस की आवश्यकता होती है और किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है। तो कैसे विवर्तन प्राप्त करने में, फ्रानहोफर विवर्तन प्राप्त करने में उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब पूछ लें आवश्यकता होती है, कारण लिखिए, इस तरह से घुमा दिए जाते हैं क्वेश्चन, कारण लिखिए। तो कारण क्या है, कारण ये इनकी स्थितियां कि जब प्रकाश स्रोत S तथा पर्दा कहां से, स्लिट से, द्वारक से, अवरोध से कह सकते हैं, द्वारक से अनंत दूरी पर हो तो प्राप्त विवर्तन को फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसके लिए एक बात और लिखनी पड़ेगी, इस विवर्तन प्रतिरूप को प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है, इस विवर्तन प्रतिरूप को प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं इसको, की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये बातें पूछ लेते हैं। एग्जाम्पल भी आप इनका ध्यान रख सकते हो कि किस प्रकार से इसका एग्जाम्पल क्या, सीधे किनारे से, छोटी चकती से, छोटी चकती मतलब इस तरह से अगर कोई कोई भाग है, इस तरह का भाग है, इस तरह का ऊपर का भाग भी खुला है, नीचे का भाग भी, देखो कोई जरूरी नहीं बीच का भाग खुला हो तो ही अवरोध है, ये भी ध्यान रखना, अभी ये बात भी ध्यान रखना कि कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही अवरोध होता है, ये अवरोध होता है कि भाई बीच में छेद होता है तो ये अवरोध होता है, इसमें से मुड़ जाता है, ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी अवरोध है, यहां से भी प्रकाश क्या होगा इधर मुड़ेगा, किनारों से मुड़ने की घटना ही क्या कहलाती है, प्रकाश का विवर्तन। जरूरी नहीं है ऐसी स्थितियां, बीच का भाग बंद हो सकता है, ऊपर के भाग खुले हो सकते हैं, तो भी किनारों से क्या होगा, प्रकाश ज्यामिति छाया में मुड़ेगा। अब यहां से इसके एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, इसका एग्जाम्पल है एकल छिद्र के द्वारा, एकल स्लिट के द्वारा, एकल रेखा छिद्र कह सकते हैं, द्विछिद्र कह सकते हैं, द्विछिद्र के द्वारा प्राप्त विवर्तन। तो उदाहरण भी आप कम से कम एक एक दो दो इसका ध्यान रखें, उदाहरण भी पूछ लेते हैं कि
फ्रेनल विवर्तन का उदाहरण लिखिए, प्राण अवसर विवर्तन का उदाहरण लिखिए, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये हो गया विवर्तन, किसे कहते हैं? विवर्तन कितने प्रकार का होता है, फ्रेनल विवर्तन क्या होता है, प्राण अवसर विवर्तन क्या होता है। जितना छोटा क्वेश्चन होगा उतनी ज्यादा संख्या में क्वेश्चन बनेंगे उसमें से, तो इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। प्रकाश के विवर्तन को परिभाषित कीजिए, विवर्तन कितने प्रकार का होता है, फ्रेनल विवर्तन को परिभाषित कीजिए, प्राण अवसर विवर्तन को परिभाषित कीजिए, फ्रेनल विवर्तन के उदाहरण लिखिए, प्राण अवसर विवर्तन के उदाहरण लिखिए, फ्रेनल विवर्तन के लिए प्रकाश स्रोत कहाँ होता है उसकी स्थिति बताइए, पर्दा कहाँ होता है उसकी स्थिति बताइए, प्राण अवसर विवर्तन को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अगर हमें ये बात पता है तो ये सारी बातों की सारे क्वेश्चनों के आंसर इसके अंदर ही है। तो इसको लिख लें, रिवाइज कर लें, फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।